खबर छतरपुर से है, जहां एक शिक्षक पति ने अपनी पत्नी की स्मृति में राधा कृष्ण के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया है। अपनी 30 साल की पूरी संपत्ति राधा कृष्ण का मंदिर बनवाने में अर्पित कर दी है। छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ वीपी चंदसौरिया की पत्नी का देहांत 30 नवंबर 2016 को हो गया था। वीपी चंदसौरिया ने अपनी पत्नी की स्मृति में मोहब्बत की मिसाल पेश करते हुए तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत में उक्त राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया है। वीपी चंदसौरिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि स्वयं की प्रेरणा से भगवान राधा कृष्ण के भव्य और दिव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जिसका भूमि पूजन 13 मई 2017 को नरसिंह धाम मंदिर परिसर में किया गया। और आज वह शुभ घड़ी आ गई है जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। चंदसौरिया ने बताया कि 30 मई से 27 मई तक रात्रि 8 से 12 बजे तक वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला का आयोजन किया जाएगा। दूसरी ओर 25 मई से 29 मई तक प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ पंडित गंगाधर पाठक आचार्य द्वारा कराया जाएगा। चंदसौरिया ने बताया कि प्रतिष्ठित होने वाले विग्रहों का नगर भ्रमण 28 मई 2023 को नरसिंह मंदिर से छत्रसाल चौराहा होते हुए बस स्टैंड चौक बाजार महल रोड होते हुए पुनः नरसिंह मंदिर परिसर तक, दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा मुख्य कार्यक्रम 29 मई को आयोजित किया गया है। वहीं विशाल भंडारा 30 मई को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में 50,000 से अधिक भक्तजनों के शामिल होने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि राधा कृष्ण का मंदिर जयपुर राजस्थान के कलाकारों द्वारा निर्माण कार्य किया गया है, जो कि अपने आप में अद्भुत भव्य और दिव्य है। चंदसौरिया ने समस्त धर्म प्रेमी लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। राधा कृष्ण जी, ललिता विशाखा जी, गणेश जी और भगवान परशुराम जी की मूर्तियों का हमारे यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा प्रतिष्ठित कराया जा रहा है। कितने दिन आयोजन चलेगा, ये कौन कौन है इसमें शामिल? आयोजन 23 अप्रैल से प्रारंभ हो गया था, 22 मई तक ये अपनी संकीर्तन अखंड संकीर्तन चल रही है और 24-23 मई से 27 मई तक रासलीला चलेगी और 25 मई से 29 मई तक भगवान की प्रतिष्ठा के जो चरण होते हैं वो चलेंगे और 30 मई को अपना भंडारा होगा। महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? श्री माननीय आदरणीय गंगाधर जी पाठक, जो अपने देश के माने हुए कर्मकांडी विद्वान हैं, जिन्होंने कर्मकांड के संबंध में बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं और उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना उपरोहित बना करके जन्मभूमि में भूमि पूजन कराया था, तो उनके द्वारा यहाँ की अपनी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपके द्वारा मंदिर का भी निर्माण करवाया गया है? मेरे द्वारा ही पूरा मंदिर का निर्माण कराया गया है। क्या कहना है उसको लेकर मंदिर के आए पूरे कार्यक्रम का आपका?
क्या उद्देश्य है इसका? कुछ नहीं, ऐसे एक अंदर से प्रेरणा हुई कि जैसे हमने कहा कि ताजमहल किसी ने बनवाया किसी की स्मृति में, वैसे तो हमें भी इच्छा हुई कि चला हमारी पत्नी हमारे बीच में छोड़ के चली गई हैं, तो उनकी स्मृति में एक राधा कृष्ण जी का प्रेम प्रतीक मंदिर बना दिया जाए। तो प्रेम प्रतीक मंदिर बनाने का हमने 14 मई 2017 में संकल्प लिया था और वो भगवान के पास आज। मतलब पत्नी की स्मृति में आपने राधा कृष्ण का मंदिर बनाया? हाँ, ठीक।